पटियाला हिंसा के मास्टरमाइंड बरजिंदर सिंह परवाना के बारे में अब लगातार कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। पटियाला हिंसा के बाद किसान आंदोलन एक बार फिर चर्चा में है। बताया जा रहा है कि परवाना किसान आंदोलन में शामिल होने दिल्ली के टीकरी बॉर्डर गया था। बरजिंदर सिंह परवाना एक हार्डकोर अपराधी है। परवाना पंजाब के सिख धार्मिक नेताओं में से एक है जो दमदमी टकसाल जत्था राजपुरा का प्रमुख है। उसकी पहचान भड़काऊ भाषण देने वाले नेता के रूप में होती है। आखिर क्या हुआ था हिंसा वाले दिन, चलिए बताते हैं आपको। पटियाला में हिंसा वाले दिन गुरुद्वारा साहिब के बाहर इकट्ठा हुए उपद्रवियों को रोकने की कोशिश नहीं हुई। पुलिस नंगी तलवारें लहराते हुए उपद्रवियों के साथ चलती रही, लेकिन सीनियर अधिकारियों ने बैरिकेडिंग के निर्देश नहीं दिए। दोनों पक्षों की मार्च निकालने की घोषणा की जानकारी होने के बावजूद रोकने की कार्रवाई नहीं की गई। वाटर कैनन दंगा रोकने वाली पुलिस फोर्स को योजनाबद्ध तरीके से तैनात नहीं किया गया। वहीं डीएसपी ने प्रसाद की दुकान पर हमला करने वालों को भी नहीं रोका। खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च के खिलाफ उपद्रवी बरजिंदर सिंह परवाना ने एसएसपी को मांग पत्र सौंप इंटरनेट मीडिया पर प्रचार किया था। एसएसपी और आईजी के नोटिस में ये उक्त गतिविधियां पहुंच चुकी थी। इसके बावजूद पुलिस अधिकारियों की लापरवाही की वजह से उपद्रवियों की भीड़ श्री काली माता मंदिर तक पहुंची। दोनों गुटों पर पथराव हुए। परवाना को पुलिस निगरानी में रखा था, लेकिन शुक्रवार बाद दोपहर वो भीड़ को संबोधित करने पहुंचा, जिसके बाद भीड़ उग्र हो गई। इसके पुलिस के बीच ही वो बाइक पर मुंह ढक कर भाग निकला। डीएसपी मोहित अग्रवाल ने प्रसाद की दुकान पर हमला करने वालों को रोकने का प्रयास भी नहीं किया। 1984 में जन्मे बरजिंदर सिंह परवाना मूल रूप से गगन चौक के नजदीक गुरु गोबिंद सिंह नगर का रहने वाला है। परवाना कट्टरपंथी ख्यालों का व्यक्ति है। बीए करने के बाद वो 2007 में सिंगापुर चला गया था। वहाँ करीब 18 महीने रहने के बाद भारत लौटा था। यहाँ आकर परवाना इंटरनेट मीडिया पर ज्यादातर आतंकी गतिविधियां संबंधित पोस्ट शेयर करने लगा। फिर उसने दमदमी टकसाल जत्था राजपुरा की स्थापना की और उसका प्रमुख बन गया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने पटियाला के राजपुरा में कहा कि पंजाब संवेदनशील राज्य है, इसने पहले बहुत संताप भोगा है। वही सरकार समय पर एक्शन लेती तो इस घटना को रोका जा सकता था। इसके लिए सिर्फ पंजाब सरकार ही दोषी है। पिछले 10 से 15 दिनों से फेसबुक पर भड़काऊ बयान आ रहे थे, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं की गई। विदेश में बैठी देशी विरोधी ताकतें पंजाब को तोड़ना चाहती हैं। पटियाला के श्री काली माता मंदिर को जिस तरीके से निशाना बनाया गया वो दुखदाई है। हालांकि इसको लेकर अब चारों ओर से प्रतिक्रिया भी सामने आ रही हैं। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।